उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, बकरीद बिल्कुल सर पे खड़ी है और सब लोगों के घरों पे जब कुर्बानी होती है, पहले दिन उनके घर में कलेजी बनाई जाती है और सबसे बड़ा मसला होता है कलेजी की स्मेल ख़त्म करने का। इसके लिए मैं आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी टिप लेके आई हूँ। आपने कलेजी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच आप सिरका डालेंगे, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भर के डालेंगे। मैंने तकरीबन 300 ग्राम कलेजी लिए, आप क्वांटिटी के हिसाब से इसको डबल कर लीजिएगा। फिर मैंने 2 से 3 ग्लासेस में पानी डाला है और इसको अच्छी तरह से हिलाया है। सब चीज़ें आपस में अच्छे से हल हो जाएं। इसके बाद हमने इस कलेजी को छोड़ देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हमने इसका पानी फेंकना है और 2 से 3 दफ़ा ठंडे पानी से रिंस कर लेना है। आप ख़ुद देखेंगे इस कलेजी का सारा ब्लड निकल चुका होगा, कोई स्मेल नहीं होगी। इवन जो कलेजी में सुराख होते हैं उनमें ब्लड जमा हुआ होता है, वो सब निकल जाएगा धोते हुए। फिर आप इसको जिस तरह मर्ज़ी चाहे बनाएं, बग़ैर स्मेल के बहुत मज़ेदार कलेजी बनेगी। आपको मेरी टिप पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।